हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय जेफ इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि जो मतलब आप देख सकते हैं इसे फासनर कहते हैं, तो इनका काम क्या होता है। ये हमें उस जगह पर लगाना होता है जहां पर या हुक वगैरह हुक नहीं होते हैं, तो उसी जगह पर हम इसको ड्रिल से होल मार करके इसको टाइट करके फिक्स करते हैं, फिर ये आराम से हैंगिंग के लिए काम में आता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक 10 mm का फासनर है। अब हम इसके बिट की बात करें तो अगर आपके पास 10 mm का फासनर है तो उसमें आपको 16 mm का बिट लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास 12 mm का फासनर है तो उसमें आपको 18 mm का बिट लगाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास 16 mm का बिट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये आप देख सकते हैं जो टेप मैंने इसके जितनी है इतना ये एरिया है, तो इस इतनी एरिया कि जितना मैंने इस पे टेप के निशान मार दिया है, इससे ये होगा कि हमारा जो होल होगा तो वो इस टेप से ज़्यादा का नहीं होगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अभी होल करके आपको दिखाते हैं, फिर हम इसकी कंप्लीट वीडियो भी दिखाएंगे। फाइनली दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ड्रिल से होल कर दिया है, और आप देख सकते हैं ये फासनर। अभी हम इसमें हैमर की मदद से इसको ठोकेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं ये आपको कुछ इस तरह से फासनर को हैमर की मदद से ठोक देना है, फिर अभी इसको हम टाइट करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं हमारा फासनर लग चुका है, और अभी हम इसमें हैंगिंग करके आपको दिखाएंगे। इसमें आप 50 kg या उससे ज़्यादा kg का लोड डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम इसमें हैं लटक रहे हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसी लगी उसको कमेंट सेक्शन में बताएँ। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। थैंक्स।